जिंदगी में जिस काम को करने से सबसे ज्यादा डर लगे उसे जरूर करना चाहिए, डर खत्म हो जाता है। तू जो भी बोल, मेरी तो लग रही है ये डर खत्म करने के चक्कर में लाइफ ही खत्म ना हो जाए। इन्हें छोड़, तू शुरू कर, मैं तेरे साथ हूं। तुम लोग डिस्कशन ज्यादा करते हो, कोई आए ना आए मैं तो जा रहा हूं। मैं नहीं, हम, याद है ना, हर काम साथ। Thanks, buddy. Hey, nice t-shirt, यार। रख ले। क्या बात कर रहा है यार? तेरे तो ऑलरेडी चार है मेरे पास पर। अरे पहन ले यार, वैसे भी तेरे पे ज्यादा अच्छी लगती है मेरे से। Thanks, यार। चलो यार, हम रेडी, क्लास का टाइम हो गया है। क्लास? हम लोग तो कैंटीन जा रहे हैं। कैंटीन? नहीं यार, एग्जाम शुरू होने वाले हैं। अबे साले चिकन, इंडिया की इकोनॉमी जानने के लिए तेरे लेक्चर की कोई जरूरत नहीं है, समझा ना? सिंपल है, सब लोग अपने अपने जेब चेक करो, अपने बट पे बाहर निकालो, हाँ, और सीधा पता लग जाएगा कि इंडिया की इकोनॉमी क्या है। ये यार मुझे हमेशा से तंग करता रहता है। और एस फॉर स्नेक। ये देख ना, इन दोनों को देख। अच्छा सुन, क्लास जाना है? नहीं यार। क्यों? अबे कल नहीं चलते? क्या हुआ? वाह यार, गाड़ी हो तो ऐसी हो यार। यार लेकिन तुझे रेड फरारी पसंद है ना? वही तो सोच रहा हूँ यार, कि अगर मैं एक रेड फरारी में कॉलेज आता तो चार लड़के यहाँ कॉरिडोर में खड़े हुए मुझे देख रहे होते। फरारी छोड़ यार, वो लड़कियाँ देख, क्या लड़कियाँ हैं। वाओ यार, मुझे तो भूख लगी है। तुम लोगों का जब इन सब चीजों से मन भर जाए तो आ जाना, मैं कैंटीन जा रहा हूँ। रुक, मैं भी आ रहा हूँ। ये चल चल चल, हम भी खेलेंगे। चल बॉल बैक। तुम्हारे हाथ लगने से बॉल गंदी हो जाएगी। अबे ओए साहब, तूने कहता कि हमारे साथ खेलने से डरता है। ए आर्यन, इनफ इज इनफ। ओके ओके ओके, ठीक है, हम भी खेलते हैं। चल, शर्ट लगी 500 की लगी। निकाल पैसे, चल निकाल पैसे। पैसे जीतने वाले नहीं, हारने वाले निकालते हैं। ओके लेट्स स्टार्ट। चल चल, एक दो तीन, चार और पांच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मुझे। थैंक यू गाइस, ये जीत गए गाइस, आई टोल्ड यू। यार कल रात बहुत थक गया यार। क्यों यार, ऐसा कौन सा तीर मार लिया तूने? बस ऐसे ही यार। ए गणेश, क्या ले तेरे? ठीक है। ए आर्यन, हाँ, ये गणेश का अकाउंट जीरो करना है यार। ओके, पैसे निकाल। ए तू जा। मतलब बच्चे, मतलब ये कि कल रात जिस नाइट क्लब में पूजा करने गए थे ना, वहाँ दक्षिणा में खर्च हो गए। यार पता नहीं, पैसे हमारे पास आते भी हैं पर हम उसे संभाल नहीं पाते। आते भी हैं और संभाल नहीं पाते, खुद को या पैसों को? दोनों एक ही बात है, आगे से याद रखना। नहीं यार, लाइफ का एक फंडा अच्छे से समझ लो, जिस चीज को जितना ज्यादा वेस्ट करोगे ना वो उतना ज्यादा मिलेगा। मतलब और पैसा आने वाला है क्या? आने भी वाला है, और मैं तो उसे फिर से खर्च भी करने वाला हूँ, लेकिन कहाँ से आएगा, आई डोंट नो। ए आर्यन, बात तो इंटरेस्टिंग है पर तू सच बोल रहा है ना? 100% जितना खर्च दो उतना पैसा तुम्हारा गुलाम, पर ना आदमी पैसों का गुलाम बन जाता है यार। वाओ, व्हाट एन आइडिया। पर एक बात बता, ये फंडा हर चीज के लिए अप्लाई होता है? तो फर्ज कर लो, हाँ, कल से फर्ज कर लो, मुझे कल एक गर्लफ्रेंड मिलती है, ठीक है, मैं उसे दो दिन के बाद डिच कर देता हूँ, करेक्ट? तो क्या तीसरे दिन पे मुझे दो गर्लफ्रेंड मिलेगी? एग्जैक्टली। लेकिन पापड़ ने सरस्वती को छोड़ दिया, उसे आज तक कोई लड़की नहीं मिली। यार तुम लोग घूम फिर के मेरी गर्लफ्रेंड के पीछे क्यों पड़ जाते हो? हाँ, अरे तू हमारे लाइफ का कॉलम है यार, डेली कॉलम। ए ज्यादा बोला ना तो ऑब्चुअरी कॉलम बना दूंगा, समझा? ए गाइस गाइस, चिल चिल चिल, गेस व्हाट, पैसों का अरेंजमेंट हो गया। कैसे?
तुम्हें क्या लगता है मनी मेरे बैकयार्ड में उगता है? 28 रुपए कैसे लिए? कार निकालो, चलो कार निकालो, 2750 होते हैं, समझे ना? जाने दीजिए ना मैडम। अब मैडम बोल के रिस्पेक्ट दिखाने से क्या मामला खत्म? एक तो तुम बिना कार के रिक्शा कैसे चलाते हो? जाने दीजिए ना मैडम, जैसे कोई बात ही नहीं। एक वर्ड सॉरी भी होता है ना, जाने दीजिए के बदले में वो यूज करना मांगता था। मैंने सोचा कि आपके पास छुट्टा नहीं है। बस मेरे पास है और तुमने सोचा मेरे पास छुट्टी नहीं है? खोटी एक्सक्यूज देता है। मेरा नाम ना दिलनवाज है, समझा ना? मैं इसीलिए हमेशा ऑटो का कार्ड रखती हूँ। हाँ क्या दिल? क्या हुआ सर के? अब सर बोल के इसको क्या आजकल लगा रहा है? हुआ क्या है? कार्ड नहीं है इसके पास, 50 पैसे ज्यादा बोला। ये देखो 50 पैसे। अब तुम बीच में मत पड़ा प्लीज। एक काम करो, 50 पैसे कम। नहीं नहीं नहीं, क्यों? मैं तेरे फोकर के 50 पैसे क्यों लूँ? हाँ हर पैसेंजर से 50 पैसे लेकर एक दिन में 50 रुपए तो ऐसे ही बना लेता होगा बिना मेहनत के। वो भी एक बार ना दिमाग में फिट कर ले, ये चोरी से ना कुछ नहीं होता, एक दिन सब निकल जाता है। ऊपर से आगे करता है, एक दुंगी स्लैप सारी सारी ऊपर हो जाएगा। अरे जाने देना, 50 पैसे में तो चिकलिक भी नहीं आती। तुम्हारे कहने से मैं जाने दूंगी, ये तुमने कैसे सोच लिया? ये ले 50 पैसे, 1 रुपए निकाल। आर्यन, वेट, ए आर्यन, तुम भी उसकी साइड ले रहे थे। खैर तुम दो उसकी साइड लोगे। बहुत गुस्सा आता रे भाभी को। पॉइंट टेकन, पर गलत बार बार नहीं आता। कोई गलत काम करेगा मैं स्लैप मारेगी। सनी स्लैप करते रहती है बस। आज तक किसी को मारा है? मारने से पहले तो जो उस पर दया जाती है ना। जस्ट शट अप ओके, तुम लोगों का खून बॉयल नहीं करता। आई मीन 50 पैसे से सचमुच कुछ नहीं मिलता, पर उसका कैरेक्टर नीचे जाता है। दिलनवाज, वो 50 रुपए भी ज्यादा कमाएगा तो अपने बच्चों को स्कूल नहीं पढ़ा पाएगा और मुंबई में कभी फ्लैट भी नहीं खरीद पाए। ओह, तो 50 पैसे की कोई कीमत नहीं है? तो ले डाल इसमें 50 रुपए। अब मेरे पास 50 रुपए होते तो क्या? तो क्या करते? मैं तुमसे बात कर रही हूँ आर्यन। तो मैं चिकन को देता। चिकन क्यों? उसकी बहन का बर्थडे है आज और उसके पास पैसे नहीं है। बेचारे वैसे ही गिल्टी फील करता है कि उसकी बहन कमाती है और वो नहीं। पुअर गाय। खैर तुम्हें क्या, क्योंकि गुजरात में जब प्रॉब्लम हुआ था तो हम तुम्हारे थे नहीं। काश होते फिर तुम्हें शायद हमारी कदर होती। अच्छा मैं कल आकर दे सकती हूँ। बर्थडे आज है, प्रेजेंट कल। दिलनवाज जस्ट फॉरगेट इट यार। Are you feeling very bad? What do you think? Okay, तुम नाराज मत हो ना, मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। हाथ में है ना? क्या? ये? एक दिन के लिए दे दो, मेरा मनी ऑर्डर आएगा मैं लौटा दूंगा। ये डोनेशन बॉक्स है आर्यन, तू भी कमाल है। मैंने पहले ही कहा था, just forget it. तू लौटा देगा ना? It's a relief fund box. मुझ पर शक है? नहीं, पर एक दूसरे को हम कितने साल से जानते हैं? 5 साल से। 5 साल कुछ कम नहीं होता, और इस 5 साल में मैंने हमारी दोस्ती में बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है, भरोसा, वक्त, इमोशंस, और उसके बदले में मुझे क्या मिलता है? शक। आई डिडन्ट एक्सपेक्ट दिस ऑफ यू। गॉड, यू आर अ फनी गाय। लिसन, स्टॉप इट ओके, ऐसा कुछ नहीं है। और दोस्ती कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है जिसमें इन्वेस्ट किया जाए। दोस्ती में जो दिया ना वो याद नहीं रखा जाता आर्यन। हाँ कल, हाँ कल कल, प्रॉमिस। ओके। ए बड़ी नाइस वुमन, अच्छा बच्चा, ये डेविड, ये लेट्स मूव इट गाइस, कम ऑन, ए शो मी सम एनर्जी। हाय, हाउ आर यू मोना? पार्टी, ये चल चल यार। क्या हुआ यार? हे यू गाइस आर नॉट अलाउड हियर। ओके हे भरत, व्हाट्स द मैटर? अरे यार तुम लोग की एंट्री यहाँ पर नहीं है। ओके, ए दिस नॉट राइट। हाँ भरत, क्यों? फक ऑफ यू ऑल। ए चुप चुप साले, ए क्या कर रहा है? मुझे छोड़ दे, मुझे। हाँ क्या कर रहा है यार? मुझे मुझे छोड़ दे, तू मुझे छोड़ छोड़ मुझे मुझे।
तेरा ही फंडा था ना पैसे खर्च करने का। सेल्फ रिस्पेक्ट भी गई। शराब है चिकन, हर बात को लेकर रोता रहता है तू, जब भी देखो ना तो क्या। सॉरी सॉरी बोल रहा है अंडा का। यार कम से कम तू तो बीच में कुछ ना बोल मुझे। अरे यार बीच बीच कुछ नहीं, हम सब साथ हैं। इट्स ओके हम सब साथ हैं, है ना? हाँ भाई हम सब साथ हैं। अब क्या गा के बोलूं, हम सब साथ साथ हैं। You're drunk man। अरे देख ना ये तो सोबर है साला, देख इसे। Who cares? बात करता है। Who cares? Who the hell cares? तू वापस जंप लगाने का सोच रहा है? नहीं यार, उड़ने वाला हूँ। और उड़कर मैनहट्टन की सबसे ऊंची वाली बिल्डिंग पर जाकर बैठ जाऊंगा। उसके लिए उड़ना नहीं, बिल्डिंग में लिफ्ट होती है क्या? लाइफ के लॉजिक लिफ्ट होती है। एक दिन में इतना पैसा बनाऊंगा ना पापड़, इतना पैसा बनाऊंगा कि हम रोज ऐसी पार्टी थ्रो करेंगे। आई मीन इट गाइस, आई मीन इट। हर कुत्ते का दिन आता है, आज उस बास्टर्ड भरत का था, लेकिन गाइस कल हमारा होगा, कल हमारा होगा। यू नो पापड़, व्हाई कीप टॉकिंग अबाउट मनी? मैं तेरे लिए घर बनाऊंगा यार। हम सब साथ रहेंगे, एक बिल्डिंग, चार फ्लोर्स, सबका एक एक। बियर की तरह घर में प्यार बहेगा। तू बहुत अच्छा यार। और चिकन तेरी बहनों की शादी करेंगे, बहुत बड़ी पार्टी थ्रो करके। और साले मुशी तुझे गर्लफ्रेंड चाहिए ना, वो भी मिलेगी पैसों के साथ, और तुझे उसके साथ शादी से पहले ही दुबई भेज देंगे। तू सच बोल रहा है? और मैं एक रेड फरारी लूंगा। And I'll fly, fly, fly away home. Home to Manhattan. इसके बाप से मिलने गई थी। ओ इजी इजी, मैं तो सिर्फ यही पता करना चाहता था कि कौन भाई साहब हैं, कहीं ये 403 वाले सरदार जी का तो नहीं हैं? अपना 502 वाला अंकल डिसूजा उसका है ना? किसका है? दूध वाला? नहीं दूध वाले का नहीं। कौन है यार? थक गया हूं मैं ये पहेली सोचते सोचते। किसी का तो है बोल रहे हैं इस बिल्डिंग में रहते हैं वो। अरे कहाँ जा रही हैं? अरे कुछ तो बोलो। हाँ मैडम। तेरा तो नहीं है? मेरा तो नहीं है। आर्यन वेयर इज इट? क्या भाई? अरे मेरा भरोसा, माय कलेक्शन बॉक्स। दिल, मैंने कहा था ना मैं लौटा दूंगा। मेरा मनी ऑर्डर नहीं आया अभी तक, 12 बजे के बाद आता है ना। आई प्रॉमिस एंड आई विल डू इट। ओके दिल्लू, मुझे हमेशा लगता था कि तू ना बहुत ब्रेव है। अगर मुझे पता होता तू इतनी नर्वस हो जाएगी तो मैं कभी नहीं लेता। अरे मेरी बात नहीं है, मुझे सबमिट करना है ना। कर देंगे।
तुम क्लास में क्यों नहीं गए? क्या तुम जिंदगी में मुझसे यूं पैसे मांगते रहोगे? हाँ नहीं, मुझे पता है तुम मेरी हो ही कौन। आर्यन तुम्हें नहीं पता मैं कौन। चल चलो वो दुआ। कल कल तुम मैं और हमारे बीच कलेक्शन बॉक्स होगा। बाय। नहीं होगा बे, 1200 से कम नहीं होगा 4 घंटे का। हाँ सेट के लिए कुछ कम कर देंगे। हाँ करेंगे करेंगे यार। चल केशव भाई 1 घंटा पहले फोन करना, फोन रखता हूँ। यार पंडित तेरी तो ऐश है, 2 लौंडे रखे हैं पान बनाने के लिए और 2 फोन रखे हैं धंधा चलाने के लिए। करना पड़ता है बे, करना पड़ता है, वरना मार्केट में मेरे ऊपर उधार चढ़ जाएगा जैसे ही आर्यन पर चढ़ रहा है। आर्यन उधार बुखार की तरह चढ़ रहा है बे। थर्मामीटर खरीद रहा हूँ ना, उतर जाएगा। है ना अपने पास थर्मामीटर? इंडिया पाकिस्तान सचिन खेल रहा है मेरे भाई। कोई भी खेले मैच फिक्स है। क्या बात कर रहा है पंडित, तू भी आर्यन? सही बात कर रहा हूँ। 100 लगा दे, 500 मिल जाएंगे। ए पागल हो गया क्या आर्यन? छोड़ पैसे नहीं है। क्या चिकन क्या बात कर रहा है तू? हाँ अबे पैसा तो तुम लोगों को तब देना पड़ेगा जब तुम लोग हारोगे। मैं बोलता हूँ जीतोगे तुम लोग। हाँ 1000 लगाओ, 5 मिलेंगे। आर्यन तेरा सारा उधार खत एक झटके में। हाँ लगा दे 5000। ए सचिन खेल रहा है, मैच फिक्स है, देख ले। नहीं यार तू गोल फेंक देना। हाय हाय। हेय व्हाट्स अप? हाय हाय। व्हाट्स गोइंग ऑन? नथिंग हनी। कुछ खाओगे तुम लोग? नहीं थैंक्स। पिज़्ज़ा। ओके। ओ नो यार, लगाना चाहिए था यार। नहीं मदद करूं? नहीं रे, पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रही हूँ, बनाने रही। लो एक और एक आउट। व्हाट? कैसे? इस पापड़ के बच्चे ने देखने दिया होता तो अपनी न्यूज में लगा हुआ है। दुनिया भर में बम फट रहे हैं तो ये अपने मैच की बड़ी है। हाँ दुनिया भर में बम फट रहे हैं, तेरे पड़ोस में तो नहीं फट रहे? अफगानिस्तान हमारे पड़ोस में है समझा। हाँ तेरे पड़ोस में होगा, मेरे पड़ोस में तो मिसेस डिसूजा रहती है। स्टॉप इट गाइस, मैच देखते तो ना। हमें लगाना चाहिए था। स्मोक चिकन, स्मोक चिकन। चिकन मेरे लिए एक्स्ट्रा चिली बोल। चिलीज या सरस्वती पा। That'll be all. Thanks. Pa, pa, pa. Half an hour, huh? Okay, bye. All the way for 6. The street can be your enemy. उसका चिलीज ऑर्डर क्यों नहीं किया? उसे कैसे मालूम यार कि पिज्जा में मिर्ची कम होगी? बिना ट्राई करे ही कमी निकालता रहता है। लगा रही है, लगा। पंडित गलत टिप नहीं देगा। पापड़ क्या बोलता है? लगा दे यार, वैसे भी दिल नवाज के पैसे देने हैं। ओए चिकन का मर गया है? क्या हुआ भाई? हम बैट लगा रहे हैं। आर्यन नहीं, पागल हो गया क्या? अरे ये क्या कर रहे हो? अगर नहीं हारी तो? हारेगी, अंदर की इन्फॉर्मेशन है। बिल्कुल नहीं, इसकी छोड़, तू लगा। नहीं मुझे, जैसे हर काम साथ करते हैं वैसे ये भी होगा। चिकन हाँ बोल। नहीं मुझे, तेरे खानदान की यही प्रॉब्लम है साले, तुम्हें अपॉर्चुनिटी आते नजर नहीं आती। बाप इंश्योरेंस कंपनी में घसाते घसाते अपने लिए खुद एक लाइफ इंश्योरेंस नहीं निकाल पाया और तुझे छोड़ दिया यहाँ घसने के लिए। तू अपने बाप की असल औलाद है समझा? आज तुझे चांस मिला तो उसे लात मार रहा है और साथ में हमें भी। लगा। हाँ पंडित लगा दे। बड़ी देर बाद होश आया, बोल कितना लगाऊं? 5000 का। कितना? अबे 5000 से काम नहीं चलेगा, 15 और बाकी बचे हैं, 1 का सो चल रहा है। कम से कम 5 पेटी लगानी पड़ेंगी। मतलब? हाँ बे मिलेगा अभी तो 5 करोड़। 5 करोड़? हाँ 5 करोड़। लगा आर्यन लगा। चिकन सोच नहीं दे यार, जल्दी बोल यार, हर ओवर के साथ पैसे बढ़ते जाएंगे। नो मैन। चल लगा दे। हाँ बोल पंडित। कौन? आर्यन पंडित। आर्यन पंडित ठीक है, लग गया। हिट
बातें भी गया साथ। अबे रंडी के आशिक साले, जेब में पैसा नहीं और बेटिंग लगाने का शौक पालता है। भैया कोई फायदा नहीं, कड़का है साला ये घर। आर्यन पैसा दे दे बे। रिलैक्स यार, हो जाएगा। समझा कर, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सब मटकरा जाने का काम है। दे दे नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। तूने कहा था ना लगाने को? हाँ मैंने ही कहा था, मुझे जो मालूम था मैंने वही कहा था। किसे मालूम था सचिन देशभक्त निकलेगा? पैसों का बंदोबस्त कहाँ से करें? सब ठीक हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। क्या बात है? 5 लाख याद है ना? मिल जाएगा। कब? अरे मिल जाएगा यार। हम कहाँ जा रहे हैं? आर्यन पंडित, नाम अच्छा है, काम अच्छा नहीं किया। मुझे यहाँ क्यों? 5 लाख कौन देगा? मालूम है ना बैट लगाया था, हार गए। फिर ये हैरानी क्यों? हाँ हाँ मुझे देना है। चुका दूंगा। कैसे? बाप को नासिक में खत लिखोगे? सेल्समैन है। कॉलेज जाना, गर्लफ्रेंड के साथ फिल्में देखना, ये सब काफी नहीं है, और ज्यादा मजा चाहिए। मैनहट्टन में फ्लैट, रेड फरारी। पैसे चाहिए बहुत सारे, सोचा नहीं था कि हार जाओगे। वो पंडित ने कहा था कि टिप्स देता था, पर गर्दन तो तुम्हारी अटकी थी, परवाह नहीं थी। क्या लगता है यूं जिंदगी जैसी चाहो हो जाती है? तुम और तुम्हारे दोस्त यहां तक डूबे हो, यहां तक। मुझे मेरे पैसे चाहिए, मैं अपने पैसे यूं जाने नहीं देती।
क्या करूं? काम डोंट, तुम्हें हर बात की बहुत जल्दी है ना? मेरे लिए काम करने का मतलब है इंतजार। इंतजार मैं कर नहीं, मौत का भी इंतजार। तुम्हें तोड़ के गढ़ने में बहुत मजा आएगा। फोटो, गाड़ी का नंबर, टाइम, जगह सब है उसमें। करना क्या है? किसी की जान नहीं ले सकता? नहीं, हिम्मत जवाब दे गई। बहुत अच्छा लगता है ना बिना कोई रिस्क लिए हीरोगिरी करना। मैंने कभी किसी को मारा नहीं है। माँ के पेट से कोई एक्सपीरियंस लेके नहीं निकलता। और कोई रास्ता नहीं है आर्यन, एक जॉब का 20,000, 15,000 काट लूंगी, 5,000 मिलेंगे कैश, अपनी जैसी जिंदगी जीने के लिए। मंजूर ना हो तो कल शाम तक पैसे लौटा देना, और मंजूर हो तो बाबा सब सिखा देंगे। सोच लो। भीड़ में एक और चेहरा नहीं बनना था ना? अलग जिंदगी दे रही हूं, किनारे पे खड़ी जिंदगी, हर पल मौत का डर, हर पल मजा। वो उसका फैक्ट्री। रोक गाड़ी, रोक गाड़ी, रोक गाड़ी, रोक। क्या कर रहा था बाबा, क्या कर रहा था तू? अरे पागल हो गया था क्या? ये ले। कांग्रेचुलेशंस। मेरे को लगा तू नहीं कर पाएगा।
अबे तू मेरी तरफ देख या मत देख, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर वो मटका राजन का पैसा चुका दे। बहुत डेंजर आदमी है, बहुत डेंजर, यूं चुटकी में खत्म करता है आदमी को। अरे अक्खा मुंबई में बेटिंग चलता है उसका, किसी का एक पैसा नहीं बख्शता वो, पर तेरी समझ में कहां आने वाला है? अरे तेरी ये हीरोगिरी उसके सामने नहीं चलने वाली, समझे? ये क्या किया तूने? अक्कल नहीं है क्या तुझे? हाँ, मैं सिर्फ इस गली के लिए भूल कर ही दी थी, तुम्हें क्या लगता है भूल में जान नहीं होती है? हाँ? हे हाय आर्यन, देख ना आर्यन, मुझे कली चाहिए थी और इसने इसका गला घोट डाला। देखो ना साहब, इसे एक स्लैप दूंगी ना, सानी साइड ऊपर हो जाएगा। अरे बाप रे बाप, बेचारी खेल ही नहीं पाएगी, दुनिया ही नहीं देख पाएगी। ये ले आर्यन। हे हे आर्यन, हे वेट आर्यन, आर्यन तुम मौले के साथ फाइट किया, लॉक का भी बंद था, तेरी जबान मुझे देखते ही बंद क्यों हो जाती है? हाँ कमाल है तू, इतना गुड लुकिंग है, हैंडसम है, कुछ भी काम कर सकता है, फाइव स्टार में वेटर बन सकता है, वेट ट्रेनर भी, पर नहीं तू नहीं सुधरेगा। छोड़ यार, मैंने आज सोचा मैं तुझसे झगड़ा नहीं करूंगी, पर क्या करूं, ब्लैक से मजबूर है, बहुत गुस्सा आ जाता है मुझे। ए समझा, आज क्या है स्टुपिड, मेरा नहीं रखता ना सही, पर अपना तो बर्थडे याद रखा कर, हैप्पी बर्थडे। आज के दिन मैंने जन्म लिया? नहीं मैंने लिया था। अरे तुझे आज हुआ क्या है ब्रैड पिट? हाँ आंखों पर गुस्सा बनने थी एकदम वेकेंट। ए क्या सोच रहा है? अरे एकदम दिमाग फिर गया यार, एक थैंक यू तो बोल के जा। ठीक है मैं मानती हूँ कि तूने मुझे कभी कहा ही नहीं कि मैं तेरा इंतजार करूंगा, बट आई विल वेट बिकॉज़ आई नो कि एक दिन तू जरूर करेगा, और है ना मुझे कुछ शर्म वर्म नहीं है बिकॉज़ आई नो दैट आई लव यू। मैंने कुछ कहा था नहीं ना? नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं कहा और तूने कुछ नहीं सुना, मैंने कुछ कहा ही नहीं और तूने तो सुना ही नहीं, फॉर श्योर तूने कुछ नहीं सुना, मैंने कुछ नहीं कहा। तो यही तो कहना था आई लव यू, ये तो नहीं कहा था हेट यू, आई लव यू सो, आई लव यू। क्या हुआ बुलाया? यहां पर बिना बुलाए आना नहीं। ओके क्या चाहिए? मिलना था उनसे। लफड़ा किया? बैठ। दरवाजा बंद कर दो। क्या हुआ, डर लग रहा है? बहुत। डर तो अच्छा है, इसे जियो पूरी तरह से, और जब डर खत्म हो जाएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ एक खालीपन। एक लड़की थी 17-18 साल की, नॉर्मल लड़की, छोटे छोटे सपने, छोटी छोटी बातों से खुश होना, छोटी छोटी बातों से दुखी होना, एक रात और सब कुछ बदल गया।
क्या हुआ उस लड़की को? रेप, सगा चाचा। 4 दिन तक वो कमरे से बाहर नहीं निकल पाई, दुख से, शर्म से, गुनाह के एहसास से। गुनाह क्यों पता नहीं, जब वो कमरे से बाहर निकली तो पूरी दुनिया ने उस पर थूका और वो चाचा सरेआम सर उठा के घूम रहा था। किसी ने भी उस लड़की के बारे में नहीं सोचा, किसी को परवाह नहीं थी, डर खत्म हो गया। वैसे भी किसका डर, इस समाज का, जहां सही गलत के मायने बदलते रहते। क्या वो लड़की आप हैं? दूसरे की प्रॉब्लम सुनते ही अपनी परेशानी भूल गए। हर कोई कन्फेशन के जरिए अपने दुखों की उल्टी करना चाहता है, क्योंकि इसे अंदर जिंदा रखने के लिए हिम्मत चाहिए। दुख को जिंदा रखो आर्यन, डर को भूल जाओ। जाओ, हैप्पी बर्थडे। जिस दिन खुद पैदा हुए उसी दिन किसी की जान ली। ये बात सता रही है ना तुम्हें? तुम्हारी मां की तकदीर में आज के दिन तुम्हारा जन्म लिखा था, और राजन की बीवी की तकदीर में उसका विधवा होना। बस किस्मत की बात है यार। बुरे फंसे हैं। बुरे फंसे थे, हो गया बंदोबस्त। हो गया? क्या बात कर रहा यार, कैसे? वो औरत याद है, उस दिन पार्टी में मिली थी, ममता सेखरी। ममता सेखरी, दैट सेक्सी वुमन। तूने अपने आप को बेच दिया? ये बिक गया? ओ गॉड, मेरा दोस्त बिक गया भाइयों, मेरा दोस्त बिक गया। बस ना मुशी। एक मिनट यार, कैसी थी? सेक्सी? एक बात समझ में नहीं आई, तेरे साथ एक रात बिताने के 5 लाख कुछ ज्यादा नहीं है? वो दिमाग से थोड़ी। शट अप या मुशी, मैं उसके लिए सिर्फ काम कर रहा हूं। क्या काम? पैसे धीरे धीरे कट जाएंगे, हर काम का 20,000 मिलेगा। 20,000? क्या काम कर रहा है भाई, एक काम का 20,000? कहीं तू ऐसा वैसा काम तो नहीं? क्या छुपा रहा है, काम क्या है? लोगों को उड़ाना है। क्या बकवास कर रहा है, तू खून करेगा? कर दिया मटका राजन का। अच्छा, अगर तूने मटका राजन का खून किया है तो मैंने रोमियो जूलियट लिखी है। मैं माइकल जैक्सन हूं। अभी आधे घंटे में एक और करना है। ए, तू समझ नहीं रहा, वी आर डीप शिट। ये नकली पिस्तौल दिखा के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। बेट मैंने लगाई थी, इसलिए चुकाने की शुरुआत मैंने कर दी, पर तुम लोग भी साथ। अब तुम्हारी बारी, तय कर लो तुम इसे पहले कौन करेगा। जिसको उड़ाना है उसकी तस्वीर और गाड़ी का नंबर इसमें, जगह यही है। तस्वीर मारने से ठीक 15 मिनट पहले देखना। हो जाएगा। मेरे निकलने के 5 मिनट बाद इधर से निकलना। ओके, 5 मिनट।
जाएगा बाबा काम, बोला ना टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल। हाँ हो जाएगा। क्या भाई क्या बात है हा? ऐसा क्या हा? ए क्या दिखता नहीं तेरे को क्या? चल हट रास्ता दे। ए ठीक से बात कर। क्यों ऐसी क्या बात है तुझमें? हाँ गैंग का आदमी है क्या? दिखाऊं क्या? हाँ क्या है गन है? मारेगा? मारना मार मार दूंगा। तुतला क्यों रहा है? हाँ मैं बोला ना तेरे को मारने के लिए। मारना मारना मेरे को देख। अरे मारना मार दूंगा। अरे मारना मार। देख गोली अंदर जाएगी ना तब पता लगेगा। क्या समझता है आपको? छोड़ यार साला। मारना मार।
हिचड़ा कहीं का सारा खाओ। और तुम लोगों का प्रेशर कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। क्या लग रहा है तुम लोगों को? कुछ भी कर सकते हो? कॉलेज में पंगा लेना और गोली चलाने में बहुत फर्क है, ये समझ नहीं आता है? ये बंदूक मेरी और गोलियां भी। ये दिवाली का पटाखा नहीं है कि जब चाहे चला दो। तुम लोगों को क्या लग रहा है, तुम सब बहुत बड़े जीनियस हो? खून कर रहे हो और तुम्हें कोई पकड़ नहीं पा रहा है। तुम लोगों को कोई इसलिए नहीं पकड़ रहा है क्योंकि मैंने उन्हें ऐसा कहा है। आगे से मेरे ऑर्डर्स के बिना बंदूक तो क्या, उसका एक कोना भी जेब से नहीं निकलेगा, समझे? ये धंधा है मेरा, सोशल सर्विस नहीं करती। गुस्सा निकालना है तो कोई और रास्ता ढूंढो। हिम्मत अंदर से आती है, गन से नहीं। सुनिए, मैं बात करना चाहता हूं आपसे। अब क्या बचा है कहने को? सॉरी, गलती हो गई। ये दुनिया हमें सब कुछ देती है, इट डजंट गिव यू सेकंड चांस। हम लोगों की जिंदगी ऊपर टंगी रस्सी पे चलना है, गिरने का डर, डर से लड़कर बैलेंस करते हुए चलना। चलना है कि नहीं ये तुम पे है। पर अगर चलना है तो इसके कुछ कायदे हैं जो तोड़े नहीं जा सकते। सुनिए, मैं आपको क्या बुलाऊं, मतलब कि मैम या नाम? सुनिए काफी है। क्या बात है, आज एक घंटे की पूजा तीन घंटे खिंच गई। आज मन किया भगवान को कुछ ज्यादा खुश कर दो। कुछ खास मांग रही हो क्या? बाबा, वो लड़का चिकन डरा हुआ लग रहा था। ठीक नहीं है। देख आर्यन, हम जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। वो देख, उस बूढ़े को देख, क्या कर रहा है? हम लकी हैं चिकन, क्योंकि हमें शायद उतनी देर जिंदा ना रहना पड़े। सबसे बड़ी ताकत है
किस्मत से पंजा लड़ाने की हिम्मत। मैं जानता हूं कि कहीं ना कहीं एक बुलेट है जिस पर मेरा नाम लिखा हुआ है, और एक ना एक दिन वो आके मेरे सीने में उतर जाएगी, पर तब तक ये जिंदगी मेरे काबू में। चल चल मेरे साथ। ये जिंदगी तो मेरा सपना था। मैं सोसाइटी में पैदा नहीं हुआ था, पर इस हाई सोसाइटी का बन सकता हूं और बनना चाहता हूं। तुझे क्या लगता है कि ममता सिकरी से मेरी मुलाकात सिर्फ एक कर्ज अदा करने के लिए हुई थी? उससे मेरी मुलाकात मेरे सपनों की जिंदगी के और करीब आने के लिए हुई थी। That's life. जो हम लोग जी रहे थे वो तो जीना था यार, जिंदगी नहीं। ममता सेखरी वो मेरी जिंदगी में सिर्फ एक नाम नहीं है, वो तो मेरी जिंदगी की मैजिशियन है। कौन मैजिशियन है? हाय, कैसा है तू? हाँ, तेरा डब्बा कहाँ है यार? बहुत भूख लगी है। भूख लगी है? देखना, मैं भी आज ही भूल गई। क्या कहेगा तू? हाँ, क्या कहेगा? Hey, one minute, guys. उसे पता है कि जैकेट, मोबाइल, शोबाइल, टैग कहाँ से आ रहा है? मेरी सैलरी अच्छी है। और वो मान गई? वो मानना चाहती है, वो मुझ पर यकीन करना चाहती है। और तू उसे बेवकूफ बना रहा है? उसके लिए इतना काफी है कि मैं काम कर रहा हूं यार। देख आरिन, मैं दिल्लू को जानता हूं। ये सैलरी, ये लग्जरी, चाहे उसे जितनी भी अच्छी लगे, जिस दिन उसे पता लगेगा ना तू लोगों की जान लेकर उसकी इंस्टॉलमेंट्स भर रहा है, वो उसे आग लगाएगी। Hey, 5 minutes, 5 minutes, guys. चल भाई, guys. अरे खाना खाकर जाना, मैं बना रही हूँ। हाँ यार रुक, मैं जल्दी से ना कराता हूँ। बहुत भूख लगी थी कह रहा था, रिकॉर्ड टाइम में बनाएगी दिलनवाज। ए, सूदे हो? ऐसे कैसे दिखता है? तू बहुत भोली है यार, बहुत अच्छी। मस्का क्यों मार रहा है? कुछ रॉन्ग किया? पता नहीं। एनीवे, गुड नाइट। अरे खाना? रोमियो हाथ में नहीं आता ना, आ जाया है। शिमलेस यू बॉयज़ आर। मिलना है जी, अभी। हाँ, क्लब में मिलो आधे घंटे में। या शो। ये कौन है? वो ममता सिकरी। हाँ, तुम्हारी बॉस? बस बॉस। हाँ श्योर? हाँ बाबा। अगर कुछ है तो मैं सानी साहब कर दूंगी, कह देना उसे। आई मे नॉट बी द हॉइटी टॉइटी सोसाइटी वुमन ममता सिकरी, पर मैं तेरे वास्ते खून भी कर सकती हूँ। आई एम अ मैड बावी, मैडली इन लव विद यू। मैं यहाँ अकेली ठीक हूँ। मैं गाड़ी में हूँ। जरूरत नहीं है। मैं हूँ। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू मुझे पागलों की तरह प्यार नहीं करता, क्योंकि मैं जानती हूँ एक दिन जरूर करेगा। चलो चलो चलो। क्या हुआ? उठ चलो।
मैं निकल रहा हूँ दिलू, हम डिनर साथ साथ खाएंगे। I promise you I'll be back। जाना जरूरी है, नौकरी का सवाल है ना? एक दिन अचानक तुम आम औरत बनना चाहो रातों रात, आजाद घूमना चाहो तो एकदम से थोड़ी बन जाओगी। हाँ, मैं कभी नहीं भूल सकती कि मैं कौन हूँ, और आप ये नहीं भूल सकते कि मैं आपकी दोस्त की पत्नी हूँ। शेखर सर, गाड़ी में प्रॉब्लम। शट अप। शेखर राजन नानावटी के आईसीयू में है। तुम्हें आज ही हॉस्पिटल में भर्ती होना है। जी। अभी इसी वक्त अपने दोस्तों को बुला लो। लेकिन क्यों? राजन का भाई एडमिट है, उसे उड़ाना है रूम 231। तुम 232 में एडमिट हो जाओ। No mistakes, no excitement, no josh. सिर्फ काम खत्म होना चाहिए। चिकन कहाँ है? उसने कहा वो खुद आ जाएगा। Idiot. वो शाम को आया था मेरे पास। वो ठहरा है बिल्डिंग की तरह, दिखता नहीं तुम लोग को? आंखें देखी उसकी, पागल लगता पागल। रिलैक्स मुशी, उसको मुझ पर भरोसा है। मुझे नहीं लगता उसको इस वक्त किसी पे भरोसा है। लो आ गया आपका चिकन। कम चिकन, हाय। हाय। हाँ पकिया, डॉक्टर आए थे। हाँ अरे सब संभाल लिया मैंने यार। हाँ चिंता की बात नहीं है। हाँ चल बोल देना। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। भाई साहब आपके पास लाइटर है? अरे इधर सिगरेट पीना अलाउड नहीं है भाई। ओ माइनर एक्सीडेंट। माइनर एक्सीडेंट में आईसीयू में भर्ती नहीं करते, समझे ना? फॉर ऑब्जर्वेशन। आर्यन स्पीड, तुझे कितनी बार कहा है कि इतनी तेजी से गाड़ी मत चलाया कर, तू जब सुने तब ना। अरे मैं मानती हूँ कि तूने मुझे प्रॉमिस किया था कि तू मेरे साथ डिनर खाने आएगा, पर एक बात याद रख, तू मेरे लिए तेरे वादे से ज्यादा जरूरी है, समझा? I just can't afford to lose you, yeah. Thank you.
चल चल चलो चलो। क्या है? खाना है। यहाँ रहने वाले हम लोग। What the hell is this place, हाँ? आर्यन कहाँ है? चला 25 साल की हमारी मेहनत, तू ऐसा हवा में उड़ा देगा? मैं देखता रहूंगा बैठा हुआ। इधर रहना, हिलना नहीं जब तक मैं नहीं कहता। ममता ने तेरे साथ बहुत नरमी बरती है। इस साला इश्कबाजी का चक्कर, बेकार में बंबई में गोलियां बरसेंगी। कौन है दिलनवाज? कौन है? उसकी गलती नहीं है। तुझे क्या लगता है मैं पता नहीं कर पाऊंगा? क्या हुआ? रहना पड़ेगा थोड़ी देर यहाँ। क्यों? तुम लोगों को कोई अंदाजा भी है किस बुरी तरह फंसे? हमने सारा खेल बिगाड़ दिया। Excuse me? हमने? कि चिकन ने? कि तेरे उसके डर निकालने के शानपत्ती के एक्सपेरिमेंट ने? चुप रहे यार, उसे क्या पता था कि वो ऐसे घबरा जाएगा? उसे क्या पता था? क्या कोई भी देख सकता था उसकी हालत क्या है? तुझे लगता है कि सारी गलती मेरी? मुझे लगता नहीं, तेरी गलती है। तेरी वो गर्लफ्रेंड नहीं आती ना, तुझे उसकी डरने की सिचुएशन संभल जाती। अरे तो हमारी दोस्त नहीं है क्या वो? हमारी दोस्त नहीं है। अरे वो तुझसे मिलने आई थी कि इससे मिलने आई थी? अरे किसी से भी मिलने आई हो, तेरे से भी तो मिलने आ सकती थी। और वैसे भी किसने बोला उसे फोन करके कि आर्यन हॉस्पिटल में? हाँ वो एंड वक्त पे फोन आ गया तो मुंह से निकल गया। तो क्या तेरे मुंह से निकल जाए कोई बात नहीं, हमारे मुंह से निकल जाए तो गलती है। शट अप, शट अप। नहीं यार समझा इसे यार। ठीक है, मुझे सारी गलती मेरी है। ओके हाँ, और मैं ही तुम लोगों को यहाँ से निकालूंगा। मुझे जाना है दिलनवाज के पास, जरूरी है। सुबह होते ही मैं लौटाऊंगा। आर्यन, मैंने तुझ पर भरोसा किया है हमेशा, शायद कभी कहा नहीं। और सुन, अपना ख्याल रखना, और अगर सरस्वती मिले तो उसे कह देना यार आई एम सॉरी। अरे वो दिलनवाज मरना है क्या? उस लड़की को कुछ हुआ तो
शेखर भाई वो नीचे आइए। ये लड़की जिंदा रहनी चाहिए। टैक्सी रुक 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 जू जल्दी। फूल भेजे थे, मिले? तुम खुद देने के लिए नहीं आई? फूल भेजते वक्त कांटे चुभ गए थे हाथों में, पट्टी लगा रही थी उस पर। भैया की मौत लिखी थी। वो तो सभी की लिखी है। अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना। बाबा तो बूढ़ा हो गया है, कब तक ख्याल रखेगा तुम्हारा? दरवाजा खोलो प्लीज। तुम? अरे क्यों? What does this mean? देखो पुलिस शायद मेरे बारे में पूछे। Just manage, okay? पुलिस? इस वक्त दिमाग का इस्तेमाल मत करो सरस्वती। I'll explain everything, okay? Please. मगर कितना भी साबुन मल लो आर्यन, अब चेहरे से ये दाग नहीं जाने वाले। Thanks. I don't want to say you're welcome. मैं तुम लोगों के लिए झूठ बोलने की आदत नहीं डालना चाहती। पापड़ ने तुम्हारे लिए एक मैसेज भेजा है। मैसेज? He says he's sorry. इतना कहने के लिए वो खुद नहीं आ सकता था? तो तुम चाहती थी कि वो आए? तुमने पापड़ से प्यार किया है ना, उसकी कमियों और बुराइयों के साथ भी। मेरा छोड़ो, दिलनवाज ने तो सिर्फ तुमसे प्यार किया, तुम्हारी बुराइयों और कमियों को तो देखा तक भी नहीं उसने, और तुमने उसकी अच्छाइयों को नहीं देखा, बस फायदा उठाते रहे उसकी इनोसेंस का। 19 साल के एक बेवकूफ पावी, किस चीज के पीछे भाग रहे हो तुम लोग? और भाग भी रहे हो तो इतना तेज कि तुम्हें प्यार करने वाले लोग दिखाई नहीं देते, बस एक फिनिशिंग लाइन दिखती है जो कि सिर्फ एक मिराज है। जितना उसके नजदीक जाओगे आर्यन, वो तुमसे उतना ही दूर होती चली जाएगी। वो हॉस्पिटल में है ना तुम लोगों की वजह से? तुम उससे प्यार करते हो ना? नहीं, पर मेरी वजह से उसे चोट लगे ये मैं देख नहीं सकता। झूठ मत बोलो आर्यन, उसकी वजह से अपनी जान खतरे में डालकर आ रहे हो, क्या मैं जानती नहीं? प्यार कबूल करने में तुम लोगों की इज्जत क्यों कम हो जाती है? डोंट हीरोज फॉल इन लव? बैड न्यूज गाइस, दिलनवाज हमारे नाम बता रही पुलिस को।
क्या? और ममता ने संभाला है क्योंकि वो इंस्पेक्टर तो खरीदा हुआ था, लेकिन सारा डिपार्टमेंट तो नहीं खरीद सकती ना। किसी और को बताएगी तो हमें खतरा है। लग गई, वी आर इन डीप शिट। क्या करें, करना क्या है? एक सटकी हुई लड़की के लिए हम अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकते। हाँ क्या क्या क्या? उड़ा दो उसको, उड़ाना ही पड़ेगा। हाँ प्लीज आर्यन, हम सब फंसे हैं। वो हमारी भी दोस्त है यार, लेकिन शादी ठीक करा। दिल्लू हमारी दोस्त है। दोस्त? दोस्त जाकर पुलिस को नहीं बताते, समझा? तुम तीनों से बदबू आती है। चिकन, यू गाइस स्टिंक, यू गाइस स्टिंक। चिकन, चिकन, ए रुक, कहां भाग रहा है चिकन? चिकन स्टॉप इट यार, चिकन रुक जा, ए रुक जा चिकन, ए चिकन रुक जा यार, क्या कर रहा है चिकन? ए स्टॉप इट, मैं कहता हूं चिकन रुक जा, चिकन कहां भाग रहा है तेरी? क्या कर रहा चिकन? चिकन नहीं, नहीं चिकन, चिकन चुप हो जा तू, चुप हो जा। तुम लोग सब डरपोक हो यार, तीनों के तीनों डरपोक। जिंदगी का सामना करने से डरते हो तुम लोग। चिकन मैं नहीं, तुम लोग चिकन, चिकन हो। भूल गए तुम लोग? अरे वो हमारे लिए टिफिन लाती थी मुझे, फीस फीस तेरी फीस भरती थी वो, और आज तू उसे उड़ा देगा? उसकी जरूरत नहीं है तो मार देगा तू उसे? हाँ मार देगा तू? तुम लोगों ने सब कुछ छीन लिया यार, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ I hate you guys। चिकन गन दे दे, चिकन गन, चिकन गन दे दे, गन चिकन प्लीज गन दे दे चिकन। इसके भरोसे पर जिंदगी शुरू और खत्म होती है ना। तो आज मैं खत्म कर लूं? खत्म कर लूं मैं? नो चिकन, नो, थिंक थिंक वी आर फ्रेंड्स यार, डोंट। हाँ चिकन, जिंदगी इन सबसे बड़ी। अरे बाहर में गई जिंदगी यार, ये जिंदगी ने दिया क्या मुझको? पाप का कर्ज, माँ बहनों का एहसान और तुम लोग तीनों का दोगलापन। नहीं सही मुझे, आई डोंट वांट इट। तू ये पावर तुझे नहीं चाहिए ना? मुशी को ताकत, आर्यन को पैसा, हाँ इसलिए हम इस कीचड़ में फंसे हुए हैं, लोगों के खून में लिपटे हुए। मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं दिलनवाज का साथ दे सकूं, ना ही हिम्मत है कि मैं तुम लोगों का साथ दे सकूं। सॉरी नहीं दे सकता तुम लोगों का साथ, साला खुद को भी नहीं मार सकता। ले मुझे, तू मार मुझे, ले मार मुझे, किल मी। ए पापड़, तू मारेगा मुझे? हाँ तुझे नींद नहीं आती ना, तो मार दे मेरे को, नींद आ जाएगी तुझे, मार। आर्यन मैं डरपोक हूँ, तू तू मेरे में हिम्मत जगाना चाहते है ना? ले तू मार मुझे, ले मारेगा? हाँ नहीं मारेगा साला, नहीं मारेगा। इसको तो सुपारी चाहिए मारने के लिए, वैसे नहीं मेरे पास। नहीं मारेगा तू, नहीं मारेगा, नहीं मार सकते तू मेरे को।
लिफ्ट बंद है। आर यू ओके? वो लड़की वो पेट से है, आपकी मदद चाहिए प्लीज प्लीज। हाँ उसूल के मुताबिक मुझे तुम्हें अभी खत्म कर देना चाहिए। खत्म कर दीजिए। बहुत घमंड है ना आपको, अपनी ताकत का घमंड। कभी सोचा ये ताकत कहां से आई है? ये ताकत आपको लोगों की जान ले लेकर मिली है। क्या हुआ, ये देख रही हैं कि आज मुझ में आपसे ज्यादा ताकत कैसे है? वो क्या है ना कि आज ही मैं समझा हूं कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। ममता है ना आपका नाम, लेकिन इसका मतलब आज मुझे पता चला है। आज ही के दिन मेरी वजह से एक नन्ही सी जान इस दुनिया में आई है, और जो ताकत उस छोटे से बच्चे में है वो आप कभी नहीं समझेंगी।
क्योंकि आपने तो सिर्फ जान लेने की ताकत देखी है, जान देने में जो ताकत है उसका तो आपको कोई अंदाजा भी नहीं। आपने एक दुनिया बनाई जिसको बनाने में मेरा भी एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन क्या है ना, मैं इस दुनिया को उस छोटे से बच्चे तक नहीं पहुंचने दूंगा। तो हर बार की तरह आज भी फैसला आपके हाथ में है। मैं सिर्फ इस दुनिया को छोड़ने की इजाजत मांग रहा हूं, और अगर आप ये इजाजत गोली से देना चाहती हैं तो मैं तैयार हूं। मुझे पता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, पर मैं कर रही हूं। पर अब लौट के नहीं आना, नेवर, वरना अगली बार मैं जाने नहीं दूंगी। क्या देख रहे हो, हम काम छोड़ रहे हैं, कम ऑन। क्या काम छोड़ देंगे, मतलब? और कर्जा चुका दिया, कम ऑन लेट्स गो। क्या हुआ, यकीन नहीं हो रहा है ना कि हम आजाद हैं? हाँ, यकीन नहीं हो रहा है, यकीन नहीं हो रहा कि तू हमारा कितना फायदा उठा सकता है। फायदा? हाँ फायदा। तुझे लगा कि हमें एक काम करना चाहिए, हम करने लग गए। अब तुझे लगता है कि हम इसे छोड़ दें, तो बस छोड़ दे। क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि मैं नहीं छोड़ सकता। मुझे सालों के बाद नींद आई है। ओ आर्यन, तू ये तो सोच अब हमारे कितने दुश्मन हैं, अब लौटेंगे ना, देख मरेंगे। मैं डरता हूं। हाँ, जिस काम को करने में डर लगे उसे जरूर करना चाहिए, याद है? बस यार बहुत हो गया तेरा, तेरा क्या भरोसा, आज कुछ बोलता है कल कुछ और बोलेगा। तू ठीक कहता है पापड़, कल तक मैं वो बोलता था जो तुम लोग सुनना चाहते थे, इसलिए तुम मेरे साथ थे। आज सब उल्टा हो गया है। हाँ उल्टा तो हो गया है। तो कहता था ना कि चीज खर्च करने से बढ़ जाती है, तो जा आज खर्च कर दी तेरी दोस्ती मैंने। मुझे और आर्यन मिल जाएंगे। चिकन खर्च हो गया, दोबारा मिला, दिल नवाज चली जाती तो वापस आती, मैं तब गलत था। तो क्या गारंटी है कि अब तू सही है? हाँ क्या गारंटी है? तू नहीं समझेगा। तू जा यार, तू जा। जाने देना पापड़, तुझे करना है ना मुझे भी करना है, इसको छोड़। तू शुरू कर, मैं तेरे साथ हूं। और वैसे भी जरूरी नहीं कि हर बात का पता आर्यन को चले, समझा? मुझे, मैं ये छोड़ना नहीं चाहता, पर आर्यन
आर्यन को रोकना भी नहीं चाहता। ये बात आर्यन को कभी पता नहीं चलनी चाहिए, समझा? क्या बात है आर्यन सेठ, बहुत दिनों बाद दिखे। हाँ, ये सेठ बनना मुझे कुछ जमा नहीं यार, तो दोबारा उधारी खाता खोल दे। क्या बात कर रहा है, 25 रुपए मैडम। क्या भाई साहब, कार्ड देख लो मैडम। कार्ड आप मेरे पास भी नहीं है। हेलो। हेलो दिलू, दिलू आर यू देयर? दिलू, तुम इधर इस वक्त? प्लीज दिलू, मुझे जाने को मत कह, प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं बहुत अकेला हो गया हूं इस डार्क एंड लोनली दिलू, प्लीज मैं थोड़ी देर बाद चला जाऊंगा। हाँ प्लीज, मैं बहुत दिनों से नहीं सोया हूं, सांस की कीमत और जिंदगी की कीमत मैं जान चुका हूं, मैं वेटर बनूंगा, वेटलिफ्टर। तू मेरे लिए एक नौकरी ढूंढते। हाँ मैं करूंगा दिलनवाज, I'll do it। चला गया आर्यन, वक्त मेरे हाथ में नहीं है, वक्त बीत जाने पर लौटता नहीं है। Why did you go away? तूने मेरे पर भरोसा क्यों नहीं किया? क्यों तू क्यों चला गया? चांद चाहिए तो चांद दूंगा, जान चाहिए तो जान भी दूंगा, प्यार चाहिए तो प्यार दूंगा मैं, दिल का करार तुझको मैं ही दूंगा, तेरे पास पास मैं रहूंगा, प्यार चाहिए तो प्यार दूंगा मैं, तेरी धड़कनों में राहों में, तेरी ठंडी ठंडी आहों में, तेरी बहकी सांसों में मैं रहूंगा। तुझे चांद चाहिए तो चांद दूंगा, जान चाहिए तो जान भी दूंगा, प्यार चाहिए तो प्यार दूंगा मैं।
एक प्यास है एहसास है सवाल है जवाब की तलाश है अब के लिए अब जीने दो मुझे जिंदगी को पीने दो मौत से मिलकर ये दिल अब चीखता है जीने को सपनों में ख्वाबों में तेरे दिल के कुछ ख्यालों में मैं रहूंगा तुझे चांद चाहिए तो चांद दूंगा जान चाहिए तो जान भी दूंगा प्यार चाहिए तो प्यार दूंगा मैं चांद दूंगा जान चाहिए तो जान भी दूंगा प्यार चाहिए तो प्यार दूंगा मैं दिल का करार तुझको मैं ही दूंगा तेरे पास पास मैं रहूंगा प्यार चाहिए तो प्यार दूंगा मैं तेरी धड़कनों में राहों तेरी ठंडी ठंडी आहों में तेरी बहकी सांसों में मैं रहूंगा तुझे चांद चाहिए तो चांद दूंगा जान चाहिए तो जान भी दूंगा प्यार चाहिए तो प्यार दूंगा मैं तुझे चांद चाहिए तो चांद दूंगा चाहिए तो चांद दूंगा क्या शेखर क्या हो रहा है आप लोगों ने जो चाहा है ममता ने मेरे भाई को उड़ा दिया घर का समझते थे हम लोग कोई रिश्ते का भी ख्याल नहीं किया तुमने हमारी तरफ आ जाओ खेल खत्म होने वाला है ममता का मैं यहां पर भरोसा नहीं तोड़ने की बात करने आया हूं शेखर क्यों जान है तेरी मेरा दोस्त मेरी जान था उसकी बीवी है अभी छोड़ इस बारे में ये पता करना क्या है तुझे हिसाब चुकता करना है तेरे लोग हमारे लोग को मारे हमारे लोग तेरे को मारे कर सकते हैं उसमें टाइम वेस्ट है धंधा खत्म वक्त जाया लेकिन तेरे को तसल्ली मिलती है तो ऐसा किया जा सकता है अब ये तो होना ही था पर एक बात बताई कि कही तूने
वक्त जाया हो रहा है। धंधा चलना बहुत जरूरी है, सही है, पर अपने भाई की मौत को मैं कैसे भूल सकता हूं? तू भूल सकता है? एक काम कर, वो छोकरा क्या नाम उसका, आर्यन, उसको मेरे को दे दे। उसके बाद जैसा चलता है वैसा चलता रहेगा, कोई टेंशन नहीं होगा, ये वादा है मेरा। उसे ठंडा हुआ, मुझे जरूरी बात करनी है। क्या क्या बात करनी है? कि धंधे में कितना नुकसान हो रहा है, या मेरी जान को कितना खतरा है, या फिर आर्यन, उसे कुछ कुछ नहीं हुआ, लेकिन होना है। शेखर से मिले थे, और कोई चारा नहीं है। पिछले एक हफ्ते में वो हमारे 6 लोगों को मार चुका है। क्यों? आर्यन की वजह से। इसकी वो दोस्त, इनके वो डर, इनके फलाने, इनके धमाके, इनकी प्यार मोहब्बत, क्या है? हालात हमारे हाथ से निकल चुके हैं, समझ रही हो? वो क्या चाहते हैं? सुपारी, आर्यन की। पापा, आर्यन को जाना होगा, उसके बाद शेखर, उसके बाद मैटर नॉर्मल हो जाएगा, भूल जाएगा सब कुछ। बोलिए। ममता मिलना चाहती है आखिरी बार। किस लिए? वो तो तुमको ज्यादा मालूम होगा। कहाँ? बुलेश्वर, चौथी गली। शाम को आता हूं, पर आखिरी बार। ओके। अबे नमूने, मेरे को क्या पूछने के लिए आते? डालो उसको। हेलो शेखर। हाँ बोल। काम हो गया है, कल शाम 5 बजे बुलेश्वर चौथी गली। भाई, भेज रहा हूं उसको तेरे पास, तू अपना हिसाब चुका लेना। ए, असलम को बुला रहे हैं। खलू, थैंक्स फॉर द लिफ्ट। इट्स ओके, मैं मार्केट आ ही रही थी, तुम रास्ते में मिल गए, नेवर माइंड। थैंक्स। शिट, पापड़, अब हम पीछे नहीं हट सकते। मैं ही नहीं कर सकता यार। कर सकता है पापड़, करना ही पड़ेगा। सोच मत इतना। कैसे ना सोचो यार, वॉर चिकन, सिर्फ दो इंसान जिन्होंने मुझे समझा, अपनाया, प्यार दिया, कैसे ना सोचूं? बकवास बनकर, हम यहां वो वहां,
वो साला दिलनवाज के साथ मजे लूट रहा होगा। और तुझे फिर सोना भी तो है ना। हाँ दबा ट्रिगर, दबा दे और सो जा चैन की नींद। तो ठीक बोलता है, मारूंगा नहीं तो नींद नहीं आएगी। गुड। तो मैं तुझे मारकर भी सो सकता हूँ ना, है ना? साले चुप बैठ हरामी, तेरी खिसक गई क्या? तेरी खिसक गई है मुशी। सरे सुअर, तुझे हमेशा दूसरों का कंधा चाहिए ना अपनी बंदूक चलाने के लिए। अब बहुत हुआ पापड़। हाँ हाँ बहुत हो गया तेरा नाटक। साले पहले बोलता था आर्यन बैठ लगा, आर्यन जंप लगा, और अब पापड़ पापड़ ट्रिगर दबा। You're a selfish parasite, that's what you are. साले औरों का मजाक उड़ाता है, दोस्तों का फायदा उठाता है, कमीने, घिन आती है तेरे से, घिन आती है। तूने? नहीं मैं नहीं, वो मुशी। भाग आर्यन भाग। पैसों के लिए 5 साल की दोस्ती खत्म? हाँ हाँ खत्म, क्योंकि मुझे नहीं जाना उस घर में वापस जहां मेरे बाप सारा दिन अपना टाइपराइटर पीटता रहे। सारी जिंदगी उसने मुझे जिन चीजों के लिए तरसाया, आज मैं उसे पा सकता हूं इन पैसों से, तो क्या खराब किया?
और मैं यहाँ बेकार में गिल्टी फील कर रहा हूँ कि मैंने तुम लोगों का फंसा दिया, फंसा भी दिया और छोड़कर वापस भी भाग गया। तू भी आ जा यार वापस। तेरे पास तो बहुत कुछ है, यूटर्न मार के कम से कम दिल्लीवास के पास तो जा सकता है। मेरे पास कौन है? मेरे साथ कोई भी नहीं। छोड़ दे यार मुझे, छोड़ दे। छोड़ तो तू भी नहीं पाया आर्यन, आज भी हमारे साथ यह कर ले। मुशी, 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 खुशी उठ जा। पापड़ रुक जा, पापड़ रुक। पापड़ रुक जा। कहाँ जा रहा है? बस जा रहा हूं ऐसी जगह की तलाश में जहां कोई और इंसान ना हो, जहां कोई मुझे अछूत की तरह ट्रीट ना कर सके। मैं समझ सकता हूं पापड़। जानता हूं यार, तू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तेरी वजह से ही जिंदगी को आज तक झेल सका हूं। नहीं पापड़, मेरे साथ ने कुछ गलत चीजें भी दी हैं तुम लोगों को। नहीं यार, तू नहीं जानता, यार तूने मेरे लिए क्या किया। नहीं पापड़, लोगों की जान लेना गलत है, किसी को दर्द देना गलत है। कभी किसी ने सोचा कि मुझ में भी जान है? मुझे भी दर्द होता है। I can also feel pain, you know. I can understand your pain, पापड़। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि वापस आ जा। खुशी और चिकन के बाद एक तू ही तो रह गया है। तेरा दोस्त पापड़ तो उस दिन मर गया था जिस दिन उसने पहली जान ली। एक आदमखोर को पकड़ के खड़ा तू, किसी की जान लेके मजा लेने की आदत एक गंदी लत की तरह चिपक गई है मेरे से। एक अल्कोहलिक शराब की बुराई जानते हुए भी पीना नहीं छोड़ सकता ना, क्या करूं? नींद नहीं आती। तो तू पैसे के लिए नहीं, मस्ती के लिए मार रहा था? पैसे ममता से करी ये सब बहाने थे यार, ये सब हम अपने सेल्फिश रीजंस के लिए कर रहे थे। रेड फरारी तो भाई, मेरा अपना घर, बहनों की शादी, वी वर सेल्फिश यार। हाँ, मगर मैं ये सेल्फिशनेस से दूर हो गया हूं, तू भी हो जा यार। नहीं यार, याद है तू हमेशा कहता था कहीं ना कहीं एक बुलेट है जिसपे तेरा नाम लिखा है जो तुझे ढूंढ रही है। तू गलत कहता था, क्योंकि ऐसी कोई बुलेट नहीं है, ऐसी बुलेट मैं ढूंढ रहा हूं पर साली मिलती नहीं। और जब तक नहीं मिलेगी मैं दूसरे में बुलेट डालता रहूंगा, क्योंकि अपने माँ बाप पे गोली चलाने की हिम्मत नहीं है मुझ में, वो हिम्मत नहीं है मुझ में यार। ये ले। ये? देख यार, तूने जब भी सोचा है मेरे लिए अच्छा सोचा है, मुझे खुशी होगी
अगर मुझे सुला सकता तो सुला दे। नहीं पापड़, मैं जान लेना छोड़ चुका हूं, ये गलत है। जान लेना गलत नहीं, जान लेने की वजह गलत होती है। आज तक तो लोगों को अपने ही मतलब के लिए मारता रहा, आज मेरी तकलीफ मिटाने के लिए मुझे मार दे यार। पापड़ प्लीज डोंट डू दिस, पापड़ वापस आ जा, कम ऑन। पापड़ पापड़ इजाजत लेकर गया था ना मैं तुमसे, फिर क्यों मेरे दोस्तों का पीछा क्यों नहीं छोड़ा? मैंने नहीं बुलाया था उन्हें, तुम्हारी दोस्ती छोड़ वो खुद आए थे मेरे पास, सिर्फ काम। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ डेस्टिनी, मैं यहां हूं, मुझे आज यहां होना है, बस दैट्स इट। तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरे दोस्त, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ। किसी की जान लेना गलत है और रहेगा हमेशा। तुम ये इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हें हिम्मत ही नहीं है किसी की जान लेने की, डरपोक हो तुम। लाख कोशिश करने के बावजूद तुम अपने अंदर के डर को भगा नहीं सकते। सेल्समैन के बेटे हो ना, मिडिल क्लास। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मारने आए हो? शक्ल देखिए अपनी, आज तक तुमने जितने लोगों को मारा है मेरे बलबूते पे मारा है, क्योंकि तुम जानते थे कि मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूं। अकेले तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये बंदूक दिखावा है, अ बिग फास। दरअसल तुम मुझे मारने नहीं आए हो, मेरे पास लौट कर आए हो, क्योंकि मैं तुम्हारी हिम्मत हूं, तुम्हारी ताकत हूं। जा रहा, भाग नहीं रहा। आधी सजा मैं काट चुका हूं दिलनवाज। चिकन की मौत, मुशी की मौत, पापड़ की मौत, सबको खो चुका हूं मैं। अब आधी सजा काटने जा रहा हूं ताकि तुझे
मुझे खोना ना पड़े। मैं लौटूंगा। I'll come back। इंतजार करवाने का तो हक नहीं है अब मेरा, लेकिन फिर भी हो सके तो इंतजार करना प्लीज। तू लौटेगा आर्यन? मुझे पूरा यकीन है मेरे गॉड पर। मेरी भी तुझे अलग रहकर तेरे गुनाह की सजा काटी है, सिर्फ इसलिए कि तू सुधर जाए। I would give anything in the world to be like this forever. चांद चाहिए तो चांद दूंगा, जान चाहिए तो जान भी दूंगा, प्यार चाहिए तो प्यार दूंगा मैं। दिल का करार तुझको मैं ही दूंगा, तेरे पास पास मैं रहूंगा, प्यार चाहिए तो प्यार दूंगा मैं। तेरी धड़कनों में राहो मैं, तेरी ठंडी ठंडी आहों में, तेरी बहकी बहकी सांसों में मैं रहूंगा। तुझे चांद चाहिए तो चांद दूंगा, जान चाहिए तो जान भी दूंगा, प्यार चाहिए तो प्यार दूंगा मैं। On the bell icon to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies.